بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। क्लास टू के प्यारे बच्चों, हमारा आज का सबक नंबर 6, पारा नंबर 30, सूरतुल लहब की आयत नंबर 1-3 तक है। आइए अब हम अपना सबक देख कर पढ़ते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب। प्यारे बच्चों, इस आयत में दाल को ज़्यादा लंबा करके पढ़ेंगे अलिफ मद्दा और मद की वजह से, बा को लंबा करके पढ़ेंगे या मद्दा की वजह से। हा की आवाज़ सीने से निकलेगी। मा अगना, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। प्यारे बच्चों, मीम को ज़्यादा लंबा करके पढ़ेंगे अलिफ मद्दा और मद की वजह से। गाइन मोटा पढ़ा जाएगा, नून को लंबा करके पढ़ेंगे खड़ी ज़बर की वजह से। हा की आवाज़ सीने से निकलेगी। मीम को लंबा करके पढ़ेंगे अलिफ मद्दा की वजह से। हा की आवाज़ सीने से निकलेगी और हा को लंबा करके पढ़ेंगे उल्टा पेश की वजह से। मीम को लंबा करके पढ़ेंगे अलिफ मद्दा की वजह से। प्यारे बच्चों, इस आयत में स्वाद मोटा पढ़ा जाएगा, लाम को लंबा करके पढ़ेंगे खड़ी ज़बर की वजह से। नून को लंबा करके पढ़ेंगे अलिफ मद्दा की वजह से। रा पर गुना होगा, लाल को लंबा करके पढ़ेंगे अलिफ मद्दा की वजह से। हा की आवाज़ सीने से निकलेगी। प्यारे बच्चों, आइए अब हम एक बार फिर अपना सबक रिपीट करते हैं। तब्बत यदा अबी लहबियों व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयसला नारन तलहब। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं तालीम और तरबियत बुक की तरफ। हमारा आज का सबक ईमान मुफसिल है, जो कि सफ़ा नंबर 16 पर है। आइए अब हम अपना सबक देख कर पढ़ते हैं। ईमान मुफसिल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसि बअदल मौत। मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर
और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर पर कि वो अल्लाह की तरफ से है और मरने के बाद जी उठने पर। प्यारे बच्चों, हमारा आज का सबक नंबर 6 मुकम्मल हुआ। मोहतरम वालदैन, आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को अपनी निगरानी में सबक याद करवाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।